हाय, दिस इज मनी शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है और हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। निफ्टी अगर आज आप देखो, एक बड़ा रेड कैंडल बनाया था स्टार्टिंग में, 9 EMA 21 EMA का जो मैंने आपको सेटअप सिखाया था, नीचे भी गया था, बट उसके बाद वापस प्राइजेस कंसोलिडेट करने लगा और यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। लेकिन सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला आज बैंक निफ्टी में, और ये मैंने आपको ऑलरेडी सेटअप सिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 EMA 21 EMA का क्रॉसओवर पहले ही कैंडल में आपको मिल गया था। फर्स्ट कैंडल में ही बैंक निफ्टी आपको बाय मिल गया था, जो मैंने आपको सेटअप सिखाया है उसके हिसाब से, और आप देख सकते हो उसके बाद कितना बड़ा मूवमेंट आया है। ये मैंने आपको सिखाया भी है क्लीन एंड क्लियर, 9 EMA एंड 21 EMA सेटअप में अगर बाइंग आ रहा है तो आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब ध्यान से थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट यहाँ पे समझना। हम लोगों ने वीडियो में प्लान किया था कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुआ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट प्लस गैप अप ओपनिंग हुआ। सो जो हमारा व्यू था वो वहीं पे नेगेट हो गया, मतलब जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके हिसाब से मार्केट ओपन नहीं हुआ। उसके बाद आपको EMA का सेटअप लगाना था, और EMA के सेटअप में क्लीन एंड क्लियर मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल में ही इसने बाय दे दिया था। सो मॉर्निंग में ही हमारा व्यू चेंज हो गया था फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। अगर आपने 9 EMA 21 EMA का सेटअप स्ट्रेटेजी नहीं देखा है वीडियो, तो वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको व्यू बिल्डिंग करना है। मैंने आपको लास्ट 3-4 वीडियो में क्लियरली बताया है कि निफ्टी मुझे काफी वीक लग रहा है, बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। यह आप देख सकते हो मेरा वीडियो, और अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, निफ्टी वीक लग रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक होगा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट मुझे बाइंग की तरफ काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर इसने काफी अच्छा सेटअप बनाया है, बाइंग का क्रॉसओवर ऑलमोस्ट करने वाला है, और यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर लेता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा डाबर। डाबर भी अगर आप देखो सेल सिग्नल क्लीन एंड क्लियर दे रहा है, तो काफी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है डाबर में। मुझे लगता है डाबर में यहाँ से और फॉलो में देखने को मिल सकता है, 480-485 तक आ सकता है डाबर। तो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील का स्ट्रक्चर भी मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। स्टील सेक्टर में काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली, और अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये नीचे आ सकता है। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।